अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिस्ट सईदा सनाम जी हियर एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट थ्रू एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। Not all changes results from learning. Changes in behavior not always immediate. अब हमारा बिहेवियर जो है, कुछ हमारे होते हैं ना innate tendencies, जिसको हम कहते हैं id. साइकोलॉजी में जो innate tendencies हैं, उनको हम कहते हैं id. Innate tendencies में बच्चे का आ जाते हैं, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो वो रोना उसका स्टार्ट हो जाता है, वो रोता है, सकिंग करना, स्माइल पास करना, कडलिंग, ये जो है दिस इज व्हाट वी कॉल इननेट टेंडेंसीज और इड इन अ साइकोलॉजी। अब बिहेवियर की जो सिंपल डेफिनेशन है, और बिहेवियर इज अ रिएक्शन टुवर्ड्स अदर्स, जो कि विजिबल फिनोमेना है ना, जो कि दिखाई दे सके। अब जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, पैदाइश से लेकर टिल द एंड डे ऑफ आवर लाइफ हमारी जो है लर्निंग हो रही होती है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट पॉजिटिव लर्निंग, हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सॉर्ट की लर्निंग हो रही होती है। अब कुछ हमारी जो लर्निंग है वो हमारे घर से आती है, कुछ हमारी नेबरहुड से आती है, कुछ हमारे पीयर ग्रुप से आती है, कुछ हमारी स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के फ्रेंड से आती है, कुछ हमारा कलीग इंटरेक्शन होता है। अब ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ये हमारे वो सारे लोग आ जाते हैं जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, जिनके साथ हमारे डे टू डे या रूटीनिक लाइफ में किसी ना किसी तरह से एक लिंक होता है। सो इन्हीं लोगों से, जिनके साथ हमारा एक्सपोजर होता है, इन्हीं से हम चीजें सीख रहे होते हैं। और बिहेवियर में चेंजेस जो है वो ऑल ऑफ सडन नहीं आती, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस इन सेंस, जैसे हमने जीन पियाजेट का पढ़ा था ना, थीरीज ऑफ सॉरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और थीरीज ऑफ डेवलपमेंट, तो ये ऑल ऑफ सडन नहीं आती, विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आती है। जैसे माइंड सेटअप करना, अब आपका आपकी लर्निंग, लेट सपोज आपको कोई कहे किसी भी बात के लिए, किसी भी फिनोमिना पे एग्री होने के लिए आपको कोई कहे कि फलानी चीज़ ऐसे नहीं है, या अभी हमारा जो ड्रामा कल्चर है वो काफ़ी मॉड हो गया है, काफ़ी मॉडर्न हो गया है, तो इज़ दिस गुड, तो ये आप ऑल ऑफ सडन नहीं मानेंगे, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्लोली स्लोली आपका इंटरेक्शन होगा, देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, जितनी आपकी अवेयरनेस होती जाएगी आपको वो चीज़ अम्यूजमेंट आपको उसमें फील नहीं होगी, आप उस पर एस्टोनिश्ड फील नहीं करेंगे, यू फील कंफर्टेबल। जब आप कंफर्टेबल होते हैं, जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं, इन अ कंफर्ट जोन वी कैन से ओके, इन अ कंफर्ट जोन वी कैन से that what I am doing, what my behavior, what my attitude towards other is absolutely correct, it's absolutely done. अब वो correct इसलिए होता है कि वो slowly and gradually हमने इसको pick किया है, हमें लगता है कि हमने अगली की ideology को copy नहीं किया, हमने अपने phenomena के basis पे वो action perform किया है, लेकिन in reality basis क्या होता है कि ये तो हमारी learning है ना, अब हमने अगले की आइडियोलॉजी को ही सीखा, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और हमने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की, अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट की, तो ये हो गई ना लर्निंग। जैसे आपने इन क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ, इफ यू पीपल डू रिमेम्बर कि ट्राई ट्राई अगेन वाली एक स्टोरी होती थी, मॉरल उसका ट्राई ट्राई अगेन था, और जिसमें था Robert Bruce, he was the king of England and he was defeated by the king of Scotland. तो Robert Bruce का ये कि उसका सारा
जो है वो जंग हार गया था और वो अकेला रह गया था। एक पॉन्ड, एक तालाब के किनारे बैठे हुआ था, उसमें देखता है कि वो एक मकड़ी जो होती है स्पाइडर, वो बार बार उठने की कोशिश करती है तालाब से बाहर निकलने की, लेकिन वो फिर गिर जाती है। लेकिन स्पाइडर अपने आप को इतना कंट्रोल कर रही होती है कि वो पानी में ना गिरे, वो स्ट्रगल करती रहती है। अब स्पाइडर ने स्ट्रगल की, वो पॉन्ड से बाहर आ गई। तो दिस वॉज अ बिग लेसन फॉर रॉबर्ट ब्रूस, एंड ही वेंट बैक एंड री मैनेज देयर आर्मी, दे कलेक्ट देयर आर्मी, देयर फेथफुल सोल्जर्स, एंड अगेन ही मेक एन अटैक ऑन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, एंड ही दिस टाइम विद अ ग्रेट फेथ ही वॉन द बैटल। सो वो लर्निंग थी ना। अब लर्निंग में उसने क्या, उसने देखा कि एक छोटा सा जानवर अपने आप को गिरने से, मरने से बचा रहा है, तो मैं ह्यूमन हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इससे बेटर हूँ, तो क्या मैं खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। अब लर्निंग के लिए, जैसे मैंने कहा ना, लर्निंग के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जरूरी नहीं है। लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों फिनोमिनाज हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय इमिटेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लर्निंग बाय इनसाइट, एंड लर्निंग बाय कंडीशनिंग। इस लेक्चर में हम लर्निंग बाय इनसाइट और कॉग्निशन पढ़ेंगे, लर्निंग बाय कंडीशनिंग पढ़ेंगे। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर एंड लर्निंग बाय इमिटेशन जो है वो हमारा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 होगा। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग बाय कॉग्निशन, इनसाइट। थ्रू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम रादर देन थ्रू टेस्ट एंड एरर और थ्रू ट्रायल एंड एरर। When you need to get a picture up high on the wall, you pull a chair over to where you want it and reach for the picture to take it down. Learning by cognition, learning is to gain knowledge, to gain insight, and cognition means mental processes, जैसे thinking, reasoning, problem solving, flight and fight responses, decision making, judgment. These all are collectively in English called mental processes. In psychology, we term these processes as cognition. अब cognition क्या है? यहाँ पे मैंने example generate की है। जब आप कोई picture hang करते हैं और आपके हाथ में hammer है और nail है और आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आप पिक्चर लगा रहे हैं तो बहुत दूर है, तो आप बार बार जंप तो थोड़ी करते हैं कि आपने एक जंप किया और हैमर का जो है एक बार हैमर को उस नेल पे लगाया, फिर आप बार बार जंप करते हैं और कील जो है वो दीवार में ठोकते हैं, इस तरह थोड़ी करते हैं। कॉग्निशन इज कि अपने आप के लिए इजी एंड स्मूथ वे, आपने कोई चेयर ले ली, कोई टेबल ले लिया, कोई स्टूल ले लिया, कोई ऐसी चीज ले ली जो जिसपे आपका जो है जो आपकी बॉडी का जो है वेट बेयर कर सके, आप उस पर खड़े हो गए, आपने नेल लगाया विद इन अ सेकेंड और आपने उस पर वो पिक्चर लगा ली। या जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोड क्रॉस करते हैं और ऑपोजिट साइड से एक बहुत ही फास्ट व्हीकल आ रही है, तो आप ये थोड़ी करेंगे कि आप जी रोड के बीचों बीच इन मिडल ऑफ रोड आप जी लेट जाएंगे, नहीं। आपका क्या होगा, आप ऑल ऑफ सडन बहुत इन अ रश आप स्टेप्स लेंगे, या यू इमीडिएटली स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू क्रॉस द रोड, या आपकी कॉग्निशन होगी ना, आपके दिमाग ने आपको सिग्नल दिया देयर इज थ्रेट एंड योर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज ऑल ऑफ सडन बिकम एक्टिवेटेड एंड यू सेव योर सेल्फ एंड ओवरकम द डेंजरस थ्रेट्स गिवन बाय द एनवायरमेंट। तो ये आपका कॉग्निशन हो गया। जैसे आप पेपर में बैठते हैं ना, जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं पे आपको कंफ्यूजन है तो आप सोचने लगते हैं, थोड़ा सा जब आप सोचते हैं वो आपका जो मेमोरी है वो आपकी चीजें मेमोरी में होती है, आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह मेमोरी वाला भी हम पढ़ेंगे, तो ये सारा मैं रिट्रीवल प्रोसेसेस ये सारा मैं आपको समझाऊंगी। तो वो जब हम दोबारा से याद करते हैं वो हम अपनी मेमोरी में दोबारा से लाना चाह रहे होते हैं, सो वो चीजें आपकी मेमोरी में आ जाती है। क्यों? वो इसलिए आती हैं कि आप उसके लिए विजिलेंट हो जाते हैं। विजिलेंसनेस
ऑब्जर्वेशन, दीज आर ऑल्सो आर मेंटल क्राइटेरिया, दीज आर ऑल्सो आर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. अब कॉग्निशन लर्निंग, टोलमैन वाज अ साइकोलॉजिस्ट, वाज वन ऑफ द अर्लियर रिसर्चर्स टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन लर्निंग. अब उन्होंने, टोलमैन ने बताया कि कॉग्निटिव लर्निंग में कॉग्निटिव प्रोसेसेस, हमारी मेंटेलिटी का क्या रोल होता है, हमारी मेंटल एक्टिविटी लर्निंग में कितना पार्टिसिपेट करती है. कॉग्निटिव प्रोसेसेस मींस यूज थॉट प्रोसेसेस इन लर्निंग. थॉट प्रोसेसेस क्या, आपको आपने अपना दिमाग लगाना है ना, जब हम अपना माइंड यूज करते हैं तभी हमारी लर्निंग होगी ना. लर्निंग बाय मेंटल एक्टिविटी और थॉट इज कॉल्ड लर्निंग बाय कॉग्निशन. अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, मेंटल एक्टिविटी होगी जो जिस लर्निंग में आपकी मेंटल एक्टिविटी हो रही है, जिस सिचुएशन को आप अपने माइंड के बेसिस पे और कम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लर्निंग बाय कॉग्निशन. लर्निंग के डिफरेंट फॉर्म्स हैं लेकिन अभी हम लर्निंग बाय कॉग्निशन पढ़ रहे हैं. कोहलर ने एग्जाम्पल दी थी साइकोलॉजी में, जैसे मैंने इनिशियल एक्सरसाइज में आपको क्लेरिफाई किया था कि साइकोलॉजी में जितना भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सारे एनिमल्स पे कंडक्ट हुए हैं और एनिमल्स पे ही कंडक्ट होंगे. सो कोहलर जो था वो भी एक साइकोलॉजिस्ट था, रिसर्चर था. कोहलर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन चिंपैंजीज टू रिवील द एसेंस ऑफ लर्निंग. ही पुट देम इन केज इन अ टिपिकल सिचुएशन. अ स्मार्ट चिंपैंजीज नेम सुल्तान वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग अ पीस ऑफ फ्रूट नियर अ बार ऑफ अ केज. अब चिंपैंजीज का क्या है, मोस्टली जो एग्जांपल्स अगर आप कॉग्निशन की देखते हैं तो वो चिंपैंजीज की होंगी. चिंपैंजीज जो है, मंकीज, चिंपैंजीज, एप्स जो है, इनका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो टू सम एक्सटेंट ह्यूमन के साथ मैच होता है. एनिमल्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो एनिमल्स हैं वो चिंपैंजीज हैं. तो कोहलर ने क्या किया कि चिंपैंजीज को एक केज में डाला और उस जो बहुत ज़्यादा अकलमंद चिंपैंजी था उसका नाम उसने सुल्तान रखा था, और केज के साथ ही कुछ फ्रूट्स रखे थे. कोहलर गेव सुल्तान अ स्टिक बट इट वाज आल्सो शॉर्ट. कोहलर ने सुल्तान की स्टिक दी जो कि बहुत छोटी थी. सुल्तान गेज्ड अराउंड, पिक्ड अप द शॉर्ट स्टिक थ्रू द बार, स्ट्रेच अनदर लॉन्ग स्टिक विद व्हिच वाज लाइंग आउटसाइड द केज, जॉइंड द टू स्टिक्स एंड ग्रैब द फूड. अब दोनों स्टिक्स रखे थे, एक छोटी थी एक बड़ी थी. अब सुल्तान ने पहले जब ट्राई करता है, अगर आप जाएं तो यूट्यूब पे इसकी वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं, सुल्तान पहले स्मॉल स्टिक है उसको उठाता है ताकि वो फ्रूट्स को ग्रैब कर सके, लेकिन वो फेल हो जाता है. देन सुल्तान क्या करता है कि वो दोनों स्टिक्स को पकड़ता है, उसको ज्वाइन करता है, ज्वाइन करता है और फिर फूड को ग्रैब करने की कोशिश करता है. Kohler explained that Sultan learned to solve his problem by putting several pieces together into a meaningful whole. The solution resulted from inside a sudden realization following a period of mental activity. अब वो स्टिक्स जो थी ना, बैम्बू स्टिक्स थी ना, वो हॉलो थी, बीच में से वो खुली हुई थी. बैम्बू स्टिक्स आपने देखी होंगी ना, जिसे मोस्टली हमारे यहाँ लेटर्स वगैरह बनते हैं, तो वो बीच में से हॉलो थी, वो खाली होती है. तो चिंपैंजी ने क्या किया, सुल्तान ने क्या किया कि दोनों स्टिक्स को एक दूसरे में ज्वाइन कर लिया और वो स्टिक लंबी हो गई, बड़ी हो गई, और उसने इजीली उस फ्रूट को ग्रैब किया. कोहलर ने बताया कि सुल्तान ने जो फ्रूट ग्रैब किया, जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया, जो इनसाइड उसकी बिल्ट हो गई, वो सडन रियलाइजेशन था. वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा था, वो नहीं हो रहा था, तो उसने वो दोनों को कंबाइन किया. कंबाइन क्या करना था उसका, उसने अपना माइंड यूज किया, उसने अपना ब्रेन यूज किया. एंड हाउ टू ग्रैब, जब हम किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं ना, हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो ये जो हमारे प्लानिंग होते हैं ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग. अब अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा तो उस तरह होगा. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अवर इनसाइड लर्निंग. सो लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय एसोसिएशन इज कॉल्ड कंडीशनिंग. जब हम चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग. लर्निंग बाय कंडीशनिंग की टू टाइप्स हैं, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज वेरी वेरी फेमस बाय आइवन पेवलो. ही वॉज अ रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट, एंड क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय आइवन पेवलो.
he was conducting experiments on something else, and suddenly in his experimental lab he saw his dog and found his association with the food. So classical conditioning was accidental discovery by Ivan Pavlov. Pavlov classical conditioning was form of learning through association. जैसे हम association बनाते हैं ना, association बनाना क्या है? हम example देते हैं ना, जैसे हमारे क्या proverbs, not we can say proverbs, जैसे हम जिसको resemblance कहते हैं, तशबीहात कहते हैं उर्दू में, कि दूध की तरह सफेद, चांद की तरह खूबसूरत, रात की तरह स्याह. अब हमने एसोसिएशन दे दी, शेर की तरह बहादुर, लोमड़ी की तरह चालाक, ये हमारी होगी एसोसिएशन. किसी चीज को दूसरे के साथ एसोसिएट करना, जैसे कोई नालायक है तो कहते हैं गधा. अब डंकी के साथ हमने एसोसिएट किया, क्योंकि डंकी जो है वो हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग वो एक बड़ा बेवकूफ जानवर है, तो हमने नालायक बंदे को गधे के साथ एसोसिएट कर दिया. तो ये होगी हमारे एसोसिएशन, जिस जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है. एसोसिएशन ऑफ टू स्टिमुलाई, ये टू स्टिमुलाई होगी ना, एक स्टिमुलाई क्या हो गया, नालायक, दूसरा स्टिमुलाई क्या हो गया, गधा. अब दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, एसोसिएशन बना ली, शेर की तरह बहादुर, शेर एक स्टिमुलाई हो गया, बहादुर जो है शेर की तरह बहादुर एक स्टिमुलाई हो गया, और वो बंदा जो है वो दूसरा स्टिमुलाई हो गया. ऑपरेंट कंडीशनर बी एफ स्किनर की थी, जिन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स सॉरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं ऑन चिंपैंजीज, ऑन पिजन्स, ऑन हैन. एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग. बिहेवियर के एसोसिएशन हमने कर लिया, किसी की चीज के साथ लिंक कर लिया हमने बिहेवियर को, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमने रिजल्ट देखे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, गुड रिवॉर्ड बैड रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड नेगेटिव रिवॉर्ड, पनिशमेंट. तो ये सारा है ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन द एसोसिएशन ऑफ पेयरिंग ऑफ ओरिजिनली न्यूट्रल स्टिमुलाई विद द रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस्ड स्टिमुलाई. दिस पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई इवेंचुअली प्रोड्यूस कंडीशन और लर्न रिस्पॉन्स. स्टिमुलस आपका क्या है? लेट सपोज हमने अब एम्बुलेंस की जो हमारी हमारा जो सायरन है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू और रूटीनिक हॉर्न्स, व्हीकल हॉर्न्स. तो एम्बुलेंस का जो सायरन है दिस इज स्टिमुलस. अब उस स्टिमुलस के जब आप सुनते हैं, रिस्पॉन्स आपका क्या होता है? कोई इमरजेंसी थ्रेटफुल सिचुएशन है. और बिहेवियर आपका क्या होगा? आप थोड़ा सा रेस्टलेस होंगे, आप थोड़ा सा अगर आपके बहुत ही करीब हो रहे हैं तो आप नर्वस हो जाएंगे. तो ये आपका बिहेवियर हो गया. क्लियर? स्टिमुलस सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस, रिस्पॉन्स एंजाइटी एंक्शसनेस फियर एंड बिहेवियर प्रोड्यूस्ड एब्रप्ट एक्शन अनकम्फर्ट जोन. तो ये आपका हो गया प्रोड्यूस्ड बिहेवियर. पेवलो ने क्या किया था? पेवलो एक्सपेरिमेंट वॉज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो एक्सीडेंटली वो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की डिस्कवरी हो गई थी. पेवलो वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड वॉन अ नोबेल प्राइज इन 1904 फॉर हिज वर्क ऑन द डॉग डाइजेस्टिव सिस्टम. ड्यूरिंग हिज रिसर्च पेवलो नोटेड दैट हिज डॉग समटाइम्स स्लाइवेटेड इन द एब्सेंस ऑफ फूड व्हेन दे सॉ द असिस्टेंट हु नॉर्मली ब्रॉट देयर फूड. उन्होंने नोटिस किया कि जब वो असिस्टेंट, वो बंदा जो कुत्ते को खाना दे रहा होता है, कुत्ता उसको देखता है तो उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है. फूड नहीं होता, सिर्फ उस बंदे को देख के उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है. पेवलो एक्सपेरिमेंट मेथड वाज टू प्रेजेंट फूड टू द डॉग एंड मेजर द अमाउंट ऑफ स्लाइवा. फूड प्रेजेंट करता था और अमाउंट ऑफ स्लाइवा को मेजर करता था. ही डिस्कवर्ड दैट इफ अ न्यूट्रल स्टिमुलस, वन दैट didn't automatically elicit saliva such as a bell was paired repeatedly with the food, the dog would gradually learn to salivate at the sound of a bell alone without any food. ab Pavlov ne kya notice kiya, maine kaha na accidentally discovery thi na, usne notice kiya ki food ko jab food present hota hai to dog ki salivation is must, lekin without food presentation
जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है, जो कि स्टिमुलाई है, जो कि सोर्स है, उसको देख के भी डॉग की सलाइवेशन स्टार्ट होती है। तो पेवलो ने क्या किया कि फूड प्रेजेंट होता था और अमाउंट ऑफ सलाइवा को वो मैयर करते थे। अब फूड जो है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलाई हो गया ना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव हो गया। तो उसने क्या किया, फूड के साथ ही प्रेजेंटेड द बेल। अब बेल को इसलिए प्रेजेंट किया कि वो देखना चाहता था कि वेदर एसोसिएशन स्ट्रांग और वीक। अब पहले डॉग की एसोसिएशन फूड विद दैट सर्वेंट थी कि वो बंदा दिखाई देगा तो उसके माइंड में फूड आएगा और उसकी सलाइवेशन स्टार्ट होगी। बेल के एसोसिएशन ने पेवलो ने बेल प्रेजेंट किया, घंटी बजती थी फिर फूड प्रेजेंट होता था, घंटी बजती थी फिर फूड प्रेजेंट होता था। सो काफ़ी टाइम बाद रिपीटेड ग्रेजुअली रिपीटेड प्रोसेस के बाद जो है वो कुत्ता इस बात को सीख गया, लर्न की जी अगर बेल का जो है वो बेल प्रेजेंट हो रहा है तो फूड होगा। और जैसे ही एंड एंड में क्या होता है, एंड में ये होता है कि जैसे ही वो बेल प्रेजेंट होते थे, अगर फूड प्रेजेंट ना भी होता था तब भी डॉग की स्लाइवेशन हो जाती थी, स्लाइवेशन वो कर लेता था। तो ये हो गया एसोसिएशन, लर्निंग बाय एसोसिएशन। उसने सीखा चीज़ों को एसोसिएट किया, जैसे हम रूटीन बेसिस पे चीज़ों को एसोसिएट कर रहे होते हैं। लर्निंग टू रिस्पॉन्स टू ए फॉर्मली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट बिकॉज दैट स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अनदर स्टिमुलस विच रेडिली इलिसिट अ रिस्पॉन्स। न्यूट्रल स्टिमुलस था फूड और वो बंदा जो फूड प्रेजेंट करता था, और बाद में जो बेल जिसके बेसिस पे डॉग की स्लाइवेशन होती थी, वो स्टिमुलस इज द एसेंशियल करेक्टराइजेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। दोनों इंपॉर्टेंट थे, दो स्टिमुलस रिक्वायर्ड होते हैं ना रादर देन एक। बिफोर कंडीशनिंग सलाइवा इज कॉल्ड अनकंडीशन रिस्पॉन्स। बिफोर कंडीशनिंग कोई कंडीशन नहीं थी, जो सलाइवा उसका वो हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। एंड फूड इज कॉल्ड अनकंडीशन स्टिमुलस। और फूड जो था वो अनकंडीशन स्टिमुलस था, न्यूट्रल चीजें थी ना कुछ था, जो रूटीन फिनोमिना होता है डॉग का वही चल रहा था। व्हेन बेल अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज प्रेजेंट, बेल का इसमें कोई काम नहीं था जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस था, इट मे इलिसिट अ जनरल रिस्पॉन्स ऑफ अटेंशन बट नॉट इलिसिट द अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इनिशियली तो बेल की आवाज पे डॉग की सलाइवेशन स्टार्ट नहीं हुई ना, रिपीटेड पेयर हो गए बार 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 बार, वो जिस तरह माइंड मोल्डिंग करते हैं ना। हमने अभी पढ़ा कि लर्निंग में, लर्निंग के बेसिस पे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो ऑल ऑफ सडन नहीं आते, दिस इज अ ग्रेजुअल एंड इमीडिएट प्रोसेस। तो ग्रेजुअली एंड ऑन अ बेसिस ऑफ स्लो प्रोसेस डॉग की एसोसिएशन होगी बेल के साथ। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल अनकंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशन स्टिमुलस। बिफोर कंडीशनिंग क्या थी, फोर स्टेजेस थे इसमें। बिफोर कंडीशनिंग फूड जो था वो अनकंडीशन स्टिमुलस था, कुत्ते का जो रिस्पॉन्स था स्लाइवेशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स होगा, स्टिमुलस क्या है, एक्शन, रिस्पॉन्स रिएक्शन। बिफोर कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल न्यूट्रल था, रिस्पॉन्स नो स्लाइवेशन। अब पहले कुत्ते को रियलाइजेशन नहीं थी ना कि बेल प्रेजेंट होगा तो फूड मिलेगा, कुत्ते की रियलाइजेशन ये थी, एसोसिएशन ये थी, वो बंदा देखेगा तो फूड मिलेगा। तो दिस इज व्हाट यू कॉल न्यूट्रल स्टिमुलस। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग में क्या हुआ, बेल के साथ फूड प्रेजेंट होता था तो कुत्ते की स्लाइवेशन स्टार्ट होती थी। ड्यूरिंग कंडीशन आफ्टर, सॉरी आफ्टर कंडीशनिंग में क्या है, सिर्फ बेल प्रेजेंट होता था तब भी स्लाइवेशन होती थी। बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग में फूड वही है, डॉग भी वही है, यहाँ पे भी फूड वही है, डॉग वही है, लेकिन वो पर्सन जो पहले उस सर्वेंट को उस को दे के डॉग की स्टाइवेशन होती थी वो स्टॉप हो गई, और फिर डॉग की स्टाइवेशन जो है बेल रिंग के साथ भी शुरू होगी, इवन के अगर फूड प्रेजेंट ना भी होता था तब भी उसकी स्टाइवेशन होती थी। सो दिस इज लर्निंग बाय एसोसिएशन और दिस इज व्हाट वी कॉल क्लासिकल कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस बेल एंड द अनकंडीशन स्टिमुलस फूड आर बोथ प्रेजेंटेड ए नंबर ऑफ टाइम्स इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जैसे ही बेल प्रेजेंट होता था फूड रख दिया जाता था, बेल प्रेजेंट होता था फूड रख दिया जाता था। तो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी डेज बाद डॉग को रियलाइज हो गया कि बेल के साथ ही फूड प्रेजेंट हो गया होगा और स्लाइवेशन उसकी स्टार्ट होगी। लर्निंग हैज टेकन प्लेस
The initially neutral stimuli is called now called conditioning stimuli CS, and the response to the conditioning stimulus alone is called conditioned response. Unconditioned stimulus se unconditioned stimulus se conditioned stimulus ban gaya, unconditioned response se conditioned response ban gaya, kyunki uski association start ho gayi. Clear? So this was all about your classical conditioning. Now, what is operant conditioning? Skinner believed that the best way to understand behavior is to look at the causes of an action and its consequences. He called this approach operant conditioning. Operant conditioning mein kya hai? According to Skinner, B.F. Skinner ne kaha kisi bhi behavior ko understand karne ke liye zaruri hai ki hum us jo action perform hua hai uske consequences ko dekhein. जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, रूटीन की बात करते हैं, रूटीन लाइफ की कोई डिसीजन हम लेते हैं तो उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे ही तो हमें रिवॉर्ड मिलता है ना. जैसे आप एग्जाम देते हैं, अब एग्जाम आपने दे दिया, ये थोड़ी है कि आपने जैसे पेपर अटेम्प्ट कर दिया और आपको मेडल मिल गया, आपको G4 GP मिल गया. नहीं, आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, दिस इज योर एक्शन एंड यू अपीयर इन एग्जाम and perform the best what you can do. So ये हो गया आपका action. Wait करें please. तो ये हो गया आपका action. Consequences क्या है? जिस तरह आपका action था उसी के according आपको उसका result मिला. Clear? For example, यहाँ पे example मैंने जो narrate की है, a child learning to complete his or her homework because he or she knows that they will get time to watch TV after. अब छोटा बच्चा है, वो पहले अपना काम कंप्लीट करेगा ताकि वो बाहर खेले, उसको कार्टून देखने का टाइम मिले, उसको गेम्स खेलने के लिए टाइम प्रोवाइड किए जाए, उसको कोई रोक टोक ना करें. अब उसने पहले उसने क्या किया, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसने एसोसिएशन बना ली कि मैं अगर अपना काम टाइम पे करूँगा सो कोई भी मुझे गेम से या कार्टून से या टीवी देखने से नहीं रोकेगा. एसोसिएशन होगी ना. अब एसोसिएशन, उस एसोसिएशन को उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग में कैसे कन्वर्ट किया? ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसने इस तरह कन्वर्ट किया कि उसका काम हो गया, अब रिवॉर्ड में वो जो देख रहा है, जो वो स्पेयर टाइम स्पेंड कर रहा है, ये उसका हो गया कॉन्सिक्वेंसेज. अनदर एग्जाम्पल इज अ चाइल्ड लर्निंग नॉट टू हिट बिकॉज ही वॉज पनिश्ड आफ्टर हिटिंग अनदर चाइल्ड बिफोर. एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, एक हो गया पॉजिटिव रिवॉर्ड, एक हो गया नेगेटिव रिवॉर्ड. एक हो जाता है पॉजिटिव पनिशमेंट, दूसरा हो जाता है नेगेटिव पनिशमेंट. कभी कभी जब हम बच्चों को किसी नेगेटिव काम से करने को रोकते हैं तो हम कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो अगर आपने किसी को मारा तो आपको भी मार पड़ेगी. अब वो बच्चा खुद की मार की वजह से डर जाता है, वो काम परफॉर्म नहीं करता. ऑपरेंट कंडीशन, three types of desirable and undesirable consequences that influence behavior: positive reinforcement, negative reinforcement and punishment. Positive reinforcement kya hai? As stimulus to for increase the desirable behavior. Positive consequences, behavior occurs more frequently, praise given, uses in teaching, employees in workplace. Positive reinforcement is kya aap agle ko इनकरेज करें, मोटिवेट करें. अगर स्टूडेंट है तो रिवॉर्ड सिस्टम रखें इन सेंस ऑफ सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, मेडल, जीपीए. ये हो गया पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट. अगर वर्कप्लेस है तो इंसेंटिव्स हो गया इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन अ सैलरी, गिविंग अ बोनस, और कोई 2-3 दिन की छुट्टी प्रोवाइड करना. ये हो गया पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट कि अगला इसे मोटिवेट हो. इवन कि जब कोई आपकी तारीफ भी करे ना, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई आपकी तारीफ भी करता है तो वो भी आप उससे भी आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट. नेगेटिव रीएनफोर्समेंट क्या है? नेगेटिव रीएनफोर्समेंट में क्या है, रिमूव द स्टिमुलस फॉर इंक्रीजिंग द बिहेवियर. जो आपने गलत काम किया है, अगर आपने ट्रैफिक, लेट सपोज ट्रैफिक सिग्नल्स को थोड़ा है और आपको ट्रैफिक कांस्टेबल ने चार्ज किया है तो नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल रहेंगे, आप रेड ब्लू ग्रीन का जो है, सॉरी रेड ग्रीन और येलो का जो है
वो उसके लिए केयरफुल रहेंगे, आप रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो चार्ज दिया है, जो फाइन दिया है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। समथिंग अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल इज रिमूव्ड बाय बिहेवियर और डजंट हैपन एट ऑल। इन बोथ ऑफ द केसेस ऑफ रीइन्फोर्समेंट द बिहेवियर इंक्रीजेस। अब नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट भी में भी आपकी इंप्रूवमेंट हो गई ना, और पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट में भी आपकी इंप्रूवमेंट हो गई। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इट डिक्रीजेस द अनडिजायरेबल बिहेवियर। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर इज नेगेटिव बिहेवियर हैज बीन पनिश्ड, फिजिकल पनिश्ड, यूज्ड बाय सोसाइटी, पेरेंट्स एंड अदर। पनिशमेंट कोई भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो मेंटल पनिशमेंट भी हो सकता है, वो आपका जो नेगेटिव बिहेवियर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिक्रीज करने के लिए या ओवरकम करने के लिए जो वे होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल पनिशमेंट। अब पनिशमेंट को हम नेगेटिव रिवॉर्ड भी कह सकते हैं। अब पनिशमेंट में क्या है? लेट सपोज आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने अपने फादर की, अपने ब्रदर की गाड़ी ली है, आप उस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने आपको मना भी किया है कि नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना, लेकिन आप फिर भी गए और आप जी रश ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने गाड़ी कहीं ठोक दी, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, गॉड फॉरबिड। तो अभी आपका जो एक्सीडेंट होना वाज, आपको ऑलरेडी वार्न किया था, इसमें पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट आपको फिजिकल एब्यूज, तो खैर मैं नहीं कहूंगी कि आपको फिजिकल एब्यूज दिया जाएगा, आपको फिजिकल पनिशमेंट दी जाएगा, आपको मारा जाएगा, लेकिन वर्बल एब्यूज होगा, आपको बहुत कुछ सुनाया जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको कीज नहीं दी जाएगी गाड़ी की, आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये हो गया आपका पनिशमेंट। पनिशमेंट उस पनिशमेंट के बेसिस पे क्या होगा कि उसके बाद जब भी कभी आपको गाड़ी की मिलेगी, उस पनिशमेंट के बेसिस पे वो नेगेटिव बिहेवियर जो कि रश ड्राइविंग था, वो आपका एलिमिनेट हो गया होगा। अब दोबारा से जब चाबी लेंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे, तो आप कभी भी रश ड्राइविंग नहीं करेंगे। आपके माइंड में वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आएंगे ना ऑन अ बेसिस ऑफ योर कॉग्निशन, कि आपने क्या किया था, आपका एक्शन क्या था, आपको कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिले, उस कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या हुई। आपने सीखा ना कि मैंने रश ड्राइविंग नहीं करनी, मैंने केयरफुल रहना है। अब ये केयरफुल रहना भी आप आपकी एक लर्निंग हो गई ना, ये लर्निंग ऑल ऑफ सडन थोड़ी हुई, इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लगा। तो इसलिए हम कहते हैं द चेंजेस इन अ बिहेवियर ऑन अ बेसिस ऑफ लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अ ग्रेजुअल एंड एंड स्लो एंड एंड इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट ऑल ऑफ सडन और इमीडिएट प्रोसेस। क्लियर? सो पनिशमेंट इज यूज टू डिक्रीज द अनडिजायरेबल बिहेवियर जो कि आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके लॉज रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी फैमिली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर? तो वो चीजें जो कि हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए नहीं रखी, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे इन्वायरमेंट ने हमारे लिए नहीं रखी, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए, हमारा जो क्लासिकल कंडीशनिंग के बेसिस पे पॉइंट नंबर थ्री है, दिस इज व्हाट वी कॉल पनिशमेंट इन ऑर्डर टू डिक्रीज द अनडिजायरेबल बिहेवियर। सो दिस वाज वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट सॉर्ट ऑफ अ लेक्चर। और इफ यू हैव, अगेन आई एम रिपीटिंग एज यूजुअल, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट योर क्वेरीज ऑन LMS और ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, बट LMS इज मच मोर कन्वीनियंट रादर देन your WhatsApp group. So inshallah, I will try my level best in order to provide you answers as soon as possible. So this was all about today's topic. Take care. Allah Hafiz. Fi amanillah.